आकर उपस्थित होकर अपने को धन्य मान रहे हैं। ये मातृ सत्संग का समय है। श्री माँ प्रेममयी, मधुमयी, दयामयी, करुणामयी, शास्त्रमयी भी है। थोड़ी थोड़ी घटनाएं मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगी। और अभी अभी महाराज जी भी बोल रहे थे और आज सुबह भी बोल रहे थे कि भगवान का अर्थ क्या है, जिनमें ऐश्वर्य, श्री, यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, इन छह का नामी भग है। पूर्ण रूप से जिनमें विद्यमान हो वे ही भगवान है। किंतु भगवान में एक चीज भगवान चाहते हैं वो नहीं है, वो है प्रेम। भगवान प्रेम के भिखारी है, प्रेम के भूखा है भगवान। वो भक्तों से प्रेम चाहते हैं, इसलिए बार बार कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी आनंद में माता के रूप में वे अवतरित होते हैं। और भक्तों से प्रेम चाहते हैं, प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं भी थोड़ी थोड़ी घटना आपको सुना रही हूँ। मैं नारायण स्वामी जी की संतान वत्सला, जिनका हिंदी अनुवाद गुरिता जी ने किया है, गुरिता ने किया है, उसका प्रूफ लेकर आई। और यहाँ पर संयम सप्ताह शुरू होने के पहले तक तीन दिन मैं प्रूफ दर्शन देख रहे थे। उससे मुझे कुछ घटनाएं उसी में से मैं सुना रही हूँ। तो कल जब हमारे श्रद्धेय स्वामी जी ने रात को कहा ना कि माँ ढाई तीन महीने की बच्चे के जैसा भ्रमर जी से कहा है कि हम आज नहीं सो पाएंगे, तभी मुझे अचानक याद आया कि नारायण स्वामी जी खुद लिख रहे हैं, उनके बचपन में ही उनके माता पिता दोनों दिवंगत हो गए थे। उनका लालन पालन किया उनके बुआ जी। बुआ जी वृद्धा थी, 75-80 साल की थी, और नारायण स्वामी जी को बचपन से पालन पोषण किया। अब उन्होंने, नारायण स्वामी जी ने माँ का दर्शन तो वाराणसी में किया 1928 में, शायद ऐसे कुछ, गुरुप्रिया दीदी के चाचा के घर में, शशांक मोहन मुखोपाध्याय के जो छोटे भाई थे, कुंज मोहन मुखोपाध्याय, उनके घर में दर्शन किया। अब उनको तो एक तक माँ के प्रति तो बहुत आकर्षण, तो रोज ही माँ का दर्शन करने जाते थे। और ये बेचारी बूढ़ी जी, जो बुआ जी है, वो बैठी रहती थी कि कब आएंगे। उनका नाम था नेपाल, बोले नेपाल कब आएंगे, तब उनको खिलाऊंगी, तब सोऊंगी। तो बोले तुम कहाँ जाते हो, तो कहे हम माँ आई हैं माँ का दर्शन कर। बोले हाँ हाँ, हमने भी आनंद में माँ का नाम सुना, ढाका की माँ, मानुष काली, ये सब सुना, हमको ले चलो ना। तो नारायण स्वामी जी सोच रहे हैं कि ये तो बूढ़ी है, कैसे पैदल चलेंगी, तो डोली ले आए, पालकी। उन दिनों वाराणसी में भी पालकी चलती थी, तो बुआ जी को पालकी में बैठाया। और शायद कुंजमोहन मुखोपाध्याय के घर की या तो निर्मल बाबू, जो गुरुप्रिया दीदी की बड़ी बहन थी, शायद उनके घर ही माँ थी उस समय, आश्रम नहीं बना था। तो माँ भोग में बैठी थी। जब नारायण स्वामी जी अपनी बुआ को लेकर गए तब माँ भोग में बैठी थी। तो नारायण स्वामी जी ने अपने बुआ को ला करके माँ के कमरे में, माँ के कक्ष में बैठा दिया। और नारायण स्वामी जी खड़े हैं। कुछ देर बाद ही माँ भोग के बाद आके कमरे में बैठी। ये बाल विधवा थी बेचारी, कोई बाल बच्चे भी नहीं थे, पतिदेव तो गुजर गए बचपन में ही। तो ये नारायण स्वामी जी को ही अपना, अपने संतान के समान सोच के पालती थी, पूछती थी, ये सब करते थे। तो माँ ने कुछ देर तक तो उनसे बातें की, फिर माँ अपने पलंग पर लेट गई। अचानक माँ बोलने लगी कि आओ ना तुम मेरे साथ आकर सो जाओ। एकदम शुरू मतलब प्रथम दिन ही, फर्स्ट दिन ही, अभी भेंट हुई दोनों में, माँ बोले आओ तो मेरे पलंग पर आके सो जाओ। तो एकदम संकोच में पड़ गई कि क्या माँ बताती है। बोले आप तो देवी है, मैं आपके साथ कैसे सोऊं। बोले आओ ना माँ बार बार कर रही है। तब नारायण स्वामी जी ने कहा कि बुआ तुम सो जाओ, जब माँ बोल रही है। तो वो भी एकदम निश्चिंत होके, बेचारी बूढ़ी, माँ के ऐसा व्यवहार देखकर, कितने स्नेहपूर्ण व्यवहार देख के माँ के खाट पर रखकर सो गई। और माँ एकदम छोटी सी बच्ची होकर उनके हृदय से लिपट करके लेटी है, जैसे माँ अपनी कन्या माँ अपनी माँ के साथ लेटी है। और वो भी एकदम माँ को हृदय से लगा करके लिपट करके दोनों लेटी है। शायद मुझे लगता है नारायण स्वामी जी ने लिखा कि बाल विधवा है, उनका वात्सल्य पूर्ण नहीं हुआ, अतृप्त है,
कि अब मेरे कोई बच्चा नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, तो उसी उनकी मनोवासना जो अतृप्त सुप्त वासना है उसी को मैं इस तरह से पूरी करके अब उनकी बेटी बन करके। फिर क्या होता है, कुछ देर बाद माँ के शरीर से सुगंध लगने लगी। बोले ये क्या है, क्या लगा के तुम रहती हो? बोले माँ ने कहा ये शरीर तो कुछ नहीं लगाता है माँ। तो बोले आपके शरीर से सुगंध, ये तो हम लोग का भी अनुभव हुआ है, माँ के ब्लाउज बाकी जो भी धोती हम लोग ऐसा करके सुनते थे बचपन में, ऐसा करके एकदम सुगंध एकदम भरा, और माँ के कमरे में जाओ तब भी सुगंध, माँ के माँ हम लोग के पास आती थी तो सुगंध, तो अद्भुत सुगंध। तो एकदम मुग्ध हो गई और बहुत ही खुश हुई। ये घटना मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अब नानू समय जी की समय तो हो जाएगा, ठीक है, तो फिर अभी नानू समय जी रुक करके और एक अमृत वार्ता बंगला में ये छपी है घटना, मैं वो बोल रही हूँ। तो क्या हुआ, माँ वाराणसी में है और शायद वहाँ गई माँ रात कोलघाट, वो जो पुरुष स्कूल है राजघाट बसंत कॉलेज राजघाट, वहाँ पर माँ शायद गई है। उन लोगों ने माँ को आमंत्रण किया छात्रों को अध्यापिकाओं को छात्राओं को सब आशीर्वाद कराने के लिए, कुछ प्रोग्राम था कार्यक्रम था, तो माँ वहाँ पर गई। तो कुछ देर तक तो माँ बैठी, उन लोगों ने क्या पूजा वूजा कीर्तन वीर्तन हुआ, माँ ने सब प्रसाद, अचानक माँ उठ पड़ी और ये सिधु दी बिथिका मुखर्जी है उनकी बहन, हम लोगों ने देखा बहुत मोटी सी थी और अच्छी थी, बहुत पढ़ी लिखी बहुत विदुषी, और अभयदा भी थे, गुरुप्रिया दीदी भी गए थे माँ के साथ, गुरुप्रिया दी थी और अभयदा थे, सिधु दी थी और भी एक दो कोई उदास जी तो रहेंगी शायद। तो माँ अचानक उठ पड़ी, माँ का चप्पल तो सिधु दी के हाथ में और एक छोटा सा चादर वादर आसन जैसे माँ के साथ चलता था वो अभयदा के हाथ में, मैं एकदम जल्दी जल्दी चलने लगी। तो पीछे पीछे इन लोग भी दौड़े, एकदम गेट पर आ गई स्कूल के गेट पर, अभी वो राजघाट का स्कूल की कोई दूसरा स्कूल हो तो मुझे याद नहीं है, तो वहां पर माँ एकदम गेट पर चली आई। इतने में कोई सज्जन अपना गाड़ी लेकर के आए थे माँ को दर्शन करने के लिए। अब गेट पर माँ को देख वो भी एकदम कैसे एकदम ये हो गया आश्चर्यचकित हो गए, तो वहीं पर माँ को प्रणाम किया। माँ बोले शरीर को स्टेशन लेकर चलोगे? हाँ माँ। तो बोले इस शरीर को सारनाथ ले चलो। वो माँ सारनाथ की कोई गाड़ी ही नहीं है अभी, तो कल सुबह एक गाड़ी होगी, तो चलो चलो जल्दी चलो। तो फिर एक कोई एक बेल था बोले बड़ा ट्रेन बड़ी गाड़ी थी, बोलो सारनाथ में रुकेगी नहीं, मैंने कहा चलो 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 चलो। तो बेचारे वो सज्जन जो है स्टेशन पर टिकट भी कर दिया और स्टेशन पे रुक करके उनको माँ को गाड़ी में चढ़ा दी। जैसे ही माँ गाड़ी में चढ़ी अभयदा और सिद्धू जी, तो गाड़ी चल पड़ी। अब ये तो सारनाथ माँ बोल रही थी सारनाथ, अब कुछ देर में सारनाथ आ गई वाराणसी से, ज्यादा दूर तो नहीं है। इधर क्या हुआ, वो सिग्नल नहीं मिल रहा है, बीच रास्ते में गाड़ी रुक गई। अब क्या हुआ, उतरो 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 उतरो। तो अभयदा तो पतले से था, कम उम्र के थे, वो तो माँ का बिस्तर लेके एक छलांग मारा और कोई स्टेशन नहीं प्लेटफॉर्म नहीं कुछ नहीं, बीच में गाड़ी रुकी, इधर भी रेल लाइन उधर भी रेल लाइन, माँ भी उतर गई। अब सिद्धु जी मोटा मोटा वो मोटी थी, वो डर के मारे वो उतरने में, बोले जल्दी उतरो जल्दी उतरो, तो सुनने में छलांग मारना पड़ेगा। तो फिर माँ ने एक हाथ दिया, माँ ने कहा मेरा हाथ पकड़ो, तो हाथ पकड़ के सिद्धु देवी छलांग मार दिया और ट्रेन चल पड़ी। पर चलो 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 चलो, तो कुछ देर में देखा वो स्टेशन है सारनाथ का स्टेशन, कुछ देर चलने के बाद देखा सारनाथ का स्टेशन है। माँ ने कहा चलो 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 चलो, तो फिर रिक्शा ना क्या किस तरह करके, बोले तुम सारनाथ की धर्मशाला जानते हो? उस समय सारनाथ इतना बड़ा नहीं था, गांव गांव जैसी, तो कहा सारनाथ की धर्मशाला जानते हो? तो इन लोगों ने कोई जवाब वबाब दिया नहीं, तो सोधा वही सीधा माँ शायद रिक्शा से ही गई कि टांगा से कहीं से जा करके माँ धर्मशाला उन्होंने पहुंचा करके माँ को, और रिक्शा वाले क्या जानते हैं क्या है, वो चले गए। इधर माँ एकदम धर्मशाला में चल उतर के ही, लगता है माँ सब जानती है, माँ एकदम चल पड़ी और माँ के पीछे पीछे बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, माँ एकदम चल पड़ी तो माँ के पीछे पीछे अभयदा और सिद्धू देवी चल रही है। और एक कमरे में जाकर के बोला हमें ऐसे गेसी हमें ऐसे गेसी मैं आ गई करके माँ चिल्लाने लगी। इन लोगों को तो कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ क्या कमरे में कौन है क्या है,
फिर ध्यान से देखा तो देखा कि उस कमरे में एक खाट बिछा हुआ है, उसमें महारतन जी। महारतन जी का माँ के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत आकर्षण, बिल्लो जी की माँ। वो बैठे बैठे रो रहे, क्या कारण कांड हुआ वो जानते, माँ वाराणसी में है और आश्रम में है। तो आश्रम पहुंची तब पता चला कि माँ सारनाथ गई है, भूली खबर है, क्योंकि माँ तो गई थी शायद राजघाट की किसी स्कूल, वाराणसी में किसी स्कूल में। अब वो तो सारनाथ आ गई और जो रिक्शा था टंगा था क्या था वो उनको छोड़ के चली गई। अंधेरा, लाइट भी नहीं, कुछ नहीं, वो खाट में बैठ के कि मैं वाराणसी कैसे जाऊं, माँ को कैसे मिलूं, मैं माँ कहाँ मिलेंगी करके वो रो रही थी खाट पे बैठे बैठे। ना खाना है ना पीना है, दिन भर चल के भूख भी लगी थी, शायद दिल्ली से कहाँ से गई थी तो भूख भी लगी है। देखिए माँ को कुछ पता नहीं था, मतलब जागतिक दृष्टि से। और फिर रात भर बिस्तर तो था ही अभयदा के साथ, फिर कुछ खाना वान माने कहा रसोई करो रसोई करो, इतने में क्या हुआ सब राजघाट से ना कहाँ से सब आ गई, उदास जी भी आ गई और गुरुप्रिया दीदी आ गई, कौन कौन था सब, माँ के साथ उसको लेके चलती है फल टल, फिर फल खरीदा भी गया, वो सज्जन भी आ गए यहाँ जो माँ को पहुँचा करके स्टेशन ट्रेन पर चढ़ाने आए थे, वो भी आ गए, सब लोग आ गए। फिर रसोई वसोई हुई, उदास जी ने सब रसोई की, सब ने खाया और महारतन जी के साथ बारे बहुत उसको होते क्या आदर दिया, प्रेम दिया, ये घटना है। और एक माँ तारापीठ में है, तारापीठ में है, अब तारापीठ आश्रम भी नहीं बना, उस समय जंगल जंगल गांव के जैसे एकदम। तो माँ सिद्धाश्रम ने कहा उसमें बरंडा में माँ बैठी है, मैं लेती है कुछ है, और माँ के साथ माँ के जितने गुरुप्रिया दीदी है सब इन लोग भी सब बैठे हैं, और मैं सब नारायण सूर्य जी की पुस्तक से ही बोल रही हूँ, और वो सब बैठे हैं। और भोलानाथ जी तारा मंदिर में बैठते थे, रात को वो सब साधना करते थे बैठते थे। इधर माँ लेटी है, भोलानाथ जी बाबा भोलानाथ तो मंदिर में है तो सब है। अचानक 11 बजे अंधेरा, एकदम लाइट टाइट कुछ नहीं, गाँव है तारापीठ। माँ एकदम से चल, दीदी माँ थी माँ के साथ, माँ की माँ भी थी, तो एकदम से माँ चल पड़ी। दीदी माँ ने सबसे पहले देखा कि माँ चल रही है, तो दीदी माँ उठ गई एकदम माँ के साथ, तो दीदी माँ भी चल गए, तो दादा भाई गुरुप्रिया दीदी भी चलने लग गई, और नारायण स्वामी जी भी सब थे, वो लोग सब चल पड़े। माँ चलती गई सब गली से चलती गई। उस समय तो तारापीठ ऐसे, अभी तो शहर बन गया तारापीठ एकदम, हम लोग अभी जाते देखते एकदम शहर, लाइट लाइट, उस समय एकदम अंधेरा, तो सब अंधेरा, कहीं बत्ती नहीं कुछ नहीं। माँ अंधेरा में चलती जा रही चलती जा रही, हम लोग भी पीछे पीछे जिन लोग थे माँ के साथ सब चलते जा रहे। एक मकान में जाकर के, आंगन में जाकर के माँ जमीन में ही बैठ गई, तब उस समय आसन टासन का भी उतना रिवाज, तो माँ जमीन में बैठ गई और भी सब लोग। अब देखते हैं कि उस घर से अभी बहुत माँ के साथ कुछ लोग थे सब आके बैठ गए, फुसफुस बात भी हो रही है, तब एक टिम 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 बत्ती लेकर के एक घर से निकले, शायद माँ को जानते थे पहले से, पता नहीं कहा से, वो जो उतना विस्तार से नहीं लिखा। और फिर दिखाई दे रहा कि बगल वाले कमरे से एक काले काले मोटे मोटे एक मनुष्य को, होगा 40 से 50 के भीतर, ज्यादा बुढ़े नहीं है, कि तो 8-10 लोग उसको पकड़ पकड़ के ला रहे हैं और ला करके लिटा दिया माँ के सामने। तो पैरालिसिस हो गया था उनको, 10-15 साल से एक और की दोनों, तो उन्हें पूरे शरीर में ही सब पैरालिसिस, वो एकदम माँ को लिटा दी, उनको लिटा दिया माँ के सामने, और माँ उनके पूरे शरीर में ऐसे हाथ से पूरा फेंक दिया। कुछ देर तक जो नारायण स्वामी जी लिख रहे हैं वही मैं बता रही हूँ, पूरा फेर दिया। अचानक वो अपने आप थोड़ा उनको जोर की पकड़ एकदम गोदी में ला करके उनको लिटाया, कि जो माँ के स्पर्श से क्या हुआ वो धीरे धीरे अपने आप ही लेटे थे, उससे उठ बैठे और फिर खड़े भी हो गए, सब ने सहारा दिया उनको, फिर वो चले गए, बस माँ चली गई। उन लोगों को कुछ प्रसाद वसाद दिया सब ने किया। तो माँ की करुणा, माँ की दया ये अपार है, ये जितना भी बोलूंगी, और मधुमयी माँ है, हम भूल के खत्म भी नहीं कर पाएंगे। माँ वृंदावन में है, जाड़े के समय माँ एक बार वृंदावन में है, शास्त्र में ही माँ, वो स्वामी जी की बात थोड़े से अंत में बोल करके मैं खत्म करूंगी, कि माँ शास्त्र में ही भी है, जो माँ की वाणी थी वो बाद में भूल करके। तो माँ वृंदावन में है, 50 ऐसे फॉरिनर्स लोग आए,
माँ कब अपने कमरे में थी, कोई लाकर कहा माँ 50 लोग आपको दर्शन करने के लिए आया, तो माने की यहाँ तो नहीं होगा, हॉल में चलो। वृंदावन का हॉल तो बड़ा ही है, माँ के बैठी तो 50 जो फॉरेनर्स थे वो कोई अपने साधना के विषय में कोई किसी विषय में सब प्रश्न करके सब बोल टोल करके चले गए। इतने में युवक सर साउथ इंडियन थे, कौन थे, वो आकर के बैठे और माँ से कहा कि बैदी कुछ प्रार्थना है मेरी। बोले क्या? बोले मैं भगवान नहीं मानता हूँ और धर्म भी नहीं मानता हूँ, भगवान भी नहीं धर्म भी नहीं, किंतु आप मुझे ऐसा कुछ उपदेश दीजिए जिससे मेरा जीवन में मैं उन्नति कर सकूं, बहुत बड़ी उन्नति हो। तो माने कहा तुम भगवान नहीं मानते हो बाबा, धर्म भी नहीं मानते, नीति मानते हो, तुम युवक थे, आजकल के मतलब मॉडर्न युवक। बोले हाँ नीति मानते हैं, समाज की हितकारक नीति जो है, समाज में रहता हूँ समाज की जो हित है उसके लिए मैं वो नीति तो मैं मानती हूँ, नीति मान करके मैं चलता हूँ। तो माने तब उनको 6 बातें कही और सब सास से शुरू होता है।